के प्रोमो के वजह से यूटीवी पे भी सीटी पड़ने लग गई। सलमान आपके लेफ्ट में, आलोक फ्रॉम ओएफएम। मेरा सवाल है कि किक होता क्या है? फिल्म में भी आपने काफी बार जमीन पड़ती आदमी दो कदम आगे जाता है। एंड आली में पड़ी थी, दो कदम आगे गए। खुद की लाइफ में, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में रोज पड़ती है सर, इसलिए आगे जाते जा रहे हैं। ये देते हैं तो कभी वो देते हैं, कभी ये देती हैं तो कभी वो देती हैं, पढ़ती रहती है। सलमान, अपने जो को स्टार्स हैं उनके बारे में अगर आप एक एक करके बताना चाहें। आपके राइट में खड़े हैं जैकलिन से, जैकलिन देन नवाज देन रणदीप। क्या बताऊं यार, अपनी तारीफ खुद करें सबके सब, जैसे मैं अपनी तारीफ कर लेता हूँ। ये भी अपनी बड़े हो गए, बूढ़ा साहब हमारे प्यारे आरडी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस पिक्चर के अंदर। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पिक्चर में हमारे साथ रहे हैं और इनके साथ बड़ा मज़ा भी आया काम करने में। ये इन्होंने हमारा साथ कहीं पर भी नहीं छोड़ा। ये हर शूटिंग स्केड्यूल में हमारे साथ थे। कुछ महीने इन्होंने हमारे बिना भी बिताए लंदन के शेड्यूल में। काफ़ी अय्याशी की इन्होंने हमारे खर्चे के ऊपर, लंदन स्कॉटलैंड फ्री में घूमाए ये, क्योंकि हमको तो वीज़ा ही नहीं मिला था। तो फिर इसके बाद पोलैंड और फिर दिल्ली भी, और फिर अभी पनवेल से भी आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करते हुए। और जैकलिन के बारे में क्या बताएं, बदतमीज। मेरी हीरोइन के बारे में तू बोल रहा, बहुत अच्छी है। जैकलिन देखो यार, मैं एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन था, हूं। उनका नाम है जीना तमान। आज के तारीख के अंदर अगर कोई जीना जी को रिप्लेस कर सकती हूँ स्टारडम वाइज, ये हैं जैकलिन अमान फर्नांडिस। बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही एफर्टलेस काम करती हैं, बहुत मेहनती हैं, इसलिए इतना एफर्टलेस दिखता है काम इनका टीवी पर। और बहुत ही सिंपल लड़की है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो हीरोइंस के जो टेंट्रम्स वगैरह होते हैं, हालांकि मैंने ऐसी लड़की के साथ काम ही नहीं किया जो कि
कोई टेंटर वेंटर फेंके, क्योंकि इतने मेरे खुद के इतने हो जाते हैं कि वो इससे ज्यादा क्या फेंकेंगे यार, इससे ज्यादा फेंक दिया तो प्रोड्यूसर पिक्चर से निकाल के फेंक देगा बाहर। तो बहुत ही सुलझी लड़की है और गॉड ब्लेस हर, आई थिंक इस पिक्चर के बाद ये सभी को किक मारेंगी, हमको भी। नहीं, हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं कि हम लोगों को जितनी जल्दी किक पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि ये मारेंगे किक हम चलेंगे दो कदम आगे। साजिद, साजिद आपसे सवाल है कि पहले तो एक सेकंड, पहले जैकलीन आपसे दो शब्द हिंदी में कहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कमाल है, हिंदुस्तान में इतने में काम चला लेते हैं लोग यार। तो साजिद, पहले पैसे लगते थे एज ए प्रोड्यूसर, अभी आपने डायरेक्ट भी किया है सलमान को, कितने टैंड्रम या कितनी किक पड़ी कुछ ऐसा? नहीं, आज प्रोड्यूसर माइक का अधिकार सिर्फ आप ही क्या है सर, बढ़ा रहा हूं। साजिद, अगर आप बताना चाहें डायरेक्शन ओवरऑल कैसा रहा सलमान खान के साथ? ये सवाल किसी और को तो पूछने के लिए। मेरा सवाल है साजिद राठियाला वाला से। इधर हेलो साजिद भाई, इधर इधर आपके सामने। अच्छा, ये यार जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। साजिद, आप ये बताइए, आपको प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बनने में इतना वक्त क्यों लगा? अरे आज प्रोड्यूसर आया ही नहीं है, घर पे बेहोश है। आपको पता होगा जिस प्रेशर से हमने ये फिल्म बनाई है, 27 साल के बाद ऐसा लग रहा है न्यू कमर हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ब्रेक। सो या सलमान भाई, न्यू कमर के चक्कर के अंदर कमर की वाट लगी इस पिक्चर में। ये पहले डायरेक्टर थे जो लेट के डायरेक्ट करते थे पिक्चर। सलमान, सलमान हियर। अधिकार सर, आप नाम लेती है मेरा कई फेज। हाँ, आपको तो अधिकार है। सलमान, दैट सीन इज रियली वेरी नाइस, वो जो बाइक पे आप जाते हो और छोड़ के साइकिल पे। साइकिल, हाउ डिड यू डू इट सो एफर्टलेसली? ये आप साजिद को बोलो, हाउ डिड यू डू इट सो एफर्टलेसली? नहीं सलमान, यू टेल अस। आप शायद पैदा नहीं हुई होंगी, दिखाइए, पैदा नहीं हुई होंगी आप। नहीं, जब मैंने एक फिल्म की थी मैंने प्यार किया। I was there. You were there? I met you in the cellar once when the film was to be shot and you were wearing a white pant and a red shirt. This is before maine pyar kiya or after maine pyar kiya? Uske pehle. Before maine pyar kiya. Yes. तो अगर एक बिफोर मैंने प्यार किया के लड़के को अगर एक व्हाइट शर्ट और कौन से पैंट में? व्हाइट पैंट। व्हाइट पैंट में एंड रेड शर्ट। रेड शर्ट, आई थिंक वो जीतू जी थे। अच्छा, एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड व्हिच वाज द टफेस्ट रोमांटिक किक यू गॉट? आर यू टॉकिंग? And are you talking this? That. बोल के छुप गई। हाँ छुप, ये सवाल पूछे छुप गए मैडम। That. वो आपका पहला सवाल बेटर था, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बोलना तो चाहूंगा लेकिन आपसे अकेले में। बोल दो। हर किक तगड़ी बड़ी है। ओके सलमान भाई, मैं ये कह रहा था कि वो जो है ना, वो जो साइकिल का जो बेट है, वो मैं साइकिल हमेशा चलाता हूँ, अभी भी चलाता हूँ। एक फिल्म थी मैंने प्यार किया, उसमें भी चलाया था, तो अभी तक वो साइकिल की प्रैक्टिस नहीं छूटी, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम आएगा जब ये सब नहीं चलेगा और गाड़ियों से नीचे उतरते 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 साइकिल पे आना पड़ेगा, तो वो साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। सलमान भाई, सलमान भाई, पूरा पूरी दुनिया में इस वक्त फुटबॉल की खुमारी छाई हुई है, जुनून फुटबॉल का। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, आप फुटबॉल के कितने फैन हैं और कौन से? नहीं फैन फुटबॉल का। हाय सलमान, हाय सलमान। ये
बहुत बड़े फैन है फुटबॉल के, इनके साथ ये दो कल मैचेस देखे, ब्राजील वगैरह का देखा इनके साथ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो एक डेढ़ घंटे की पेशेंस नहीं है मुझमें, मैं काम कर लेता हूँ, थोड़ा सोच वोच लेता हूँ। प्रिपरेशन इस फिल्म की बहुत है ताकि फैंस को एक अच्छी क्वालिटी की या तो फुटबॉल दे दूं या तो एक किक दूं, ये फिल्म डिसाइड कर लो। हाय सलमान, सलमान आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। फुटबॉल दूंगा तो ये लोग मुझे फुटबॉल बना देंगे। हेलो नवाज। हाय सलमान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर। हाय सलमान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू हियर। Hi, recently Preeti is going through a very difficult time. On the right over. Hi, here. Could you stand up, please? Hi, hi Salman. Hi Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Neswadia, and she's also wrote on a public platform. आप गलत जगह पे हैं. I'm sorry. आप गलत जगह पे हैं. आप गलत जगह पे. Just talk about Preeti. आप गलत जगह पे. आप गलत सवाल पूछ रही हैं। इस वक्त कोई जवाब नहीं है और ना ही अधिकार है जवाब देने का। बिल्कुल सवाल सही है, पूछ रहे हैं। सुनिए, ये सवाल आपको पूछना ही है तो रणदीप से पूछिए। हम तो चाहते हैं कि आपसे पूछिए, जैकलीन से पूछिए, रणदीप से पूछिए, एवरीबॉडी आउट हियर। आई एम जस्ट सेइंग दैट प्रीति हैज पुट इट ऑन द पब्लिक। माइक कौन छीनेगा इनका? लेट्स जर्नलिस्ट गेट अ राइट टू आस्क द माइक। कम ऑन सर, माइक दे दो, पहले के माइक छीना जाए। हमारे भाई हैं वहां पर, सोहेल भाई उनको दे दो। ओके, आई एम गोना मेक अ लास्ट अटेम्प्ट। वी डू नॉट वांट दिस। वैसे उनका भी सवाल कुछ ऐसा ही आने वाला है। No, honestly, we were asked about the movie and we are here for that. It's just that we don't get you too often. And Preeti is... So can you give a very close friend of yours? So I still... Let me try to answer this one. Salman is giving an open space. ये सवाल का इनको इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि ये खुद जानना चाहती है, बाकी यहाँ पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद बस यही जानना चाहती है। आपको किक बहुत मिली है, लेकिन अब तक आपने किक कितनी दी है लोगों को? सुपर सवाल। इसका जवाब यह है कि पहली बार लाइफ में एक किक देने जा रहा हूं यार अपना हमारे फैंस को। शूटिंग के दौरान मेरे को किक मिली थी, शूटिंग के दौरान मेरे को कुछ प्यारी किक्स मिली थी और मैं दो कदम आगे गया हूं, तो मैं हूं, मेरे को मिली एक किक। ऑन द लेफ्ट ऑफ यू। माय क्वेश्चन इज टू यू, पॉसिबल? या थैंक्स सलमान भाई। हाय नवाज। हाय नवाज, माय क्वेश्चन इज टू यू। सलमान खान के साथ काम करके लाइक आपको कितना किक मिला? मुझे कई बार किक दी इन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, जैकलीन आपके सामने, यहाँ ठीक सामने आप। बड़ा मजा आया काम करके। ऑफ कोर्स सलमान, आप हर सीन में किक थी, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर सीन ऐसे थे जिसमें किक थी। सलमान जैसे आप आए तो सवाल करके ऐसे क्या लगे, ये बुराई करेंगे मेरी? सवाल ही मत पूछो ना, जाके यहाँ पे बेफजूल तारीफ होनी पड़े। सलमान, सलमान, व्हेन यू केम इनसाइड यू
वेव द क्राउड दो तीन बार ऐसे इस तरह से करके, तो आप स्टिल जय हो को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज इट? नहीं नहीं, वो जो वो जो जय हो का जो था ना, वो उसमें बिलीव करता हूं मैं कि तीन लोगों की मदद करो, उनसे कहो कि तीन लोगों की मदद करो, ये नहीं कि पिक्चर बनाया और पिक्चर छोड़ दिए पीछे। पिक्चर से जो मैसेज आया वो हम बिलीव करते हैं, इसलिए उसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। अभी हमेशा मुझे ये इस तरफ से तो ये करते हुए दिखूंगा मैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, ये तो मैंने स्टार्ट किया था। इससे बेटर ये है। ओके जैकलीन आपके सामने यहाँ। जैकलीन जैकलीन, ये सब बाकी क्या सब दूसरों का है। काफी इम्प्रेस किया है आपने अपनी हिंदी से सलमान को, हम ऐसा मान सकते हैं? जैकलीन आप कुछ बोलना चाहेंगे सलमान से? खुशी है, तुमने सुना नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना लगता है इम्प्रेस होने के लिए। नहीं, मुझे जैकलीन से सुनना है, मुझे जैकलीन से सुनना है। जैकलीन आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने बहुत मेहनत किया। स्पीक लाइक द वे यू स्पीकिंग टू योर ड्राइवर राम, योर स्पॉट बॉय। इधर आओ, किधर है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब कॉन्शियस कर रहे हो आप लोग, कॉन्शियस कर रहे हो बिचारी को आप लोग, जब ये अपने वालों से बात करती है तो बहुत फ्लुएंटली हिंदी में बात करती है। क्वेश्चन पूछे, अरे आपसे नहीं, मेरा मेरा सवाल है राम, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? मखाना मखाना चाहिए सलमान के लिए भी। तालियां हो जाए। सलमान अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई स्पीक मराठी विद माई फ्रेंड्स एंड माई स्टाफ एंड माई मम, और जब मैं लोगों के साथ बात करता हूँ बाहर के लोगों, तो मैं अटक जाता हूँ मराठी में, तो आई कैन अंडरस्टैंड हर प्रेडिकमेंट। ओके सलमान, अक्सर जब जब देखा जाता है आपका कोई बड़ा इवेंट होता है, उसी दिन आपके करीबी दोस्त शाहरुख खान का भी कोई ना कोई बड़ा इवेंट होता है, तो आप लोग कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं इसका इवेंट के होने से पहले, या ये कोई इंसिडेंट? मुझे तो ये पता नहीं है कि अगले 5 सेकंड में क्या होने वाला है, आप प्लानिंग मुझसे? टाइम भी सेम है। अच्छा सलमान भाई, सेंस प्लानिंग से मुझे घुटन होती है। और सवाल आपका ये है था, और जवाब आपका सलमान भाई, मेरे को अच्छी टेक्निक मिल गई यार। रोल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताओ कि इनफैक्ट दिस इज अ सुपर हीरो, आप सुपर हीरो, व्हाट एग्जैक्टली कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल, किस तरह का? हाँ इस बार मैं रोल के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग आपको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है फिल्म में, क्या कैरेक्टर है, आप लोग इमेजिन कर लेते हो और जाके पिक्चर नहीं देखते, तो इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जाके थिएटर में पिक्चर देखो। सलमान ने आपको हिंदी सिखाई है, जानना चाहते क्या हिंदी सिखाई अकॉर्डिंग? नहीं फिर या तो माइक ले लो, फिर माइक नहीं है। अच्छा बहन, हाय, हाय बहू, बेटियां, सलमान ने आपको हिंदी सिखाई क्योंकि वो जाने जाते हैं हिंदी सिखाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों को। अच्छा अच्छा, हाँ ये नया देख के आए हो आप, सेइंग दैट हिंदी सिखाया क्योंकि वो कटरीना मैडम को भी हिंदी सिखाया था ना। Okay, thank you very much. I think we'll wrap up here. Thank you, Sharma. No, one last question. Himesh, your association with... Okay, hang on. Sir, aapke 3 sawal ho chuke, ek naya agar ek last sawal lag sa. Sajid. Last. Yes.
One last question, that's it. सलमान, जब फिल्म ईद पर रिलीज होती है तो कितनी बड़ी किक मिलती है? पिछली बार आपकी फिल्म ईद पर नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार आ रही है, कितना बड़ा तोहफा आपके फैंस के लिए होगा, कितनी बड़ी किक आपको मिलेगी इस बार? पिछली बार रेडी नहीं हुई थी, इस बार रेडी हो रही है, और हर चीज अगर बराबर चली जाएगी तो पिक्चर डेफिनेटली ईद पर रिलीज हो जाएगी। साजिद, ये साउथ की रीमेक है तो कितना पोर्शन अडॉप्ट किया है और कितना रेगुलर है, लाइक किक फिल्म मूवी थी रवि तेजा के साथ? इट इज जस्ट एडॉप्टेड जी, एंड आवर राइटर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। व्हाट 10% ऑफ द फिल्म? सलमान, आपने देखी है वो साउथ वाली फिल्म किक? नहीं, मैंने नहीं देखी फिल्म। आलोक बस, थैंक यू वेरी मच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वीडियो ऑन स्टेज एंड फोटोज। सलमान भाई, लास्ट सवाल, why your name is devil in this film? Just one second. What's the secret behind your name being devil in this film? Okay, no more question guys, let's just a follow up and this. Just a last question. I'm sorry, why your name is devil in the film? It's a slightly mischievous role, it's a naughty role. Thank you very much, gentlemen and Jacqueline for being on stage. Yep, thanks a lot guys. We're done here. All right, thank you guys. Thank you for coming for this launch. Thank you Salman sir, thank you Sajid sir, thank you Chetan. Thank you Siddharth, thank you Ali. Thanks Jacqueline. Thank you Nish bhai, thank you. Thank you for coming guys, thank you. यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, love you, seriously. मेरा 2 किलो खून बढ़ाया आपने, थैंक यू। बुला ले सबको। I like to call on stage the director of this magnum opus, Mr. Sajid Nadiarwala on stage first, please. Sajid sir, फोटोग्राफ तो हो जाएंगे, लेकिन सलमान सर ट्रेलर दिखा दे, अब ट्रेलर दिखा दे, दिखा ट्रेलर। ओके सर, द ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर फॉर किक रिलीजिंग राइट हियर यूटीवी मोशन पिक्चर्स एंड नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स टू यू। ट्रेलर देखा ना तो ऊपर क्या को बुलाया? तो कैसी लगी? मच बड़ा यार, जब सलमान भाई अंदर आए थे तब तो सीटियां मारे थे आप, अब जब ट्रेलर की बात करो तो सीटियां तो कोई मार ही नहीं रहा, तो अब सीटियों के साथ
1, 2, 3 कैसी लगी? नाच भरा। एक एक करके मैं सारे सुपरस्टार्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आई स्टार्ट विथ मिस्टर नाडियाडवाला वंस अगेन। सलमान सर ऑन स्टेज सर प्लीज। मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर एमडी ऑफ डिज्नी इंडिया। नवाज सर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। जैकलीन लुकिंग सुपर हॉट। रणदीप हुडा प्लीज ऑन स्टेज। मिस्टर हिमेश रेशमिया, मिस्टर चेतन भगत, मिस्टर चेतन भगत कुछ प्लीज कम ऑन स्टेज एज वेल। मिस्टर भूषण कुमार कुछ भी ऑल्सो प्लीज कम ऑन स्टेज सर। आई एम कमिंग मोर टू द लेफ्ट, और जगह बना लेता हूं। एंड मिस्टर रजत अरोड़ा वो भी स्टेज पर आ जाए। एंड एज मिस्टर नाडियाडवाला वांट्स द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड टेक्नीशियंस प्लीज टू कम ऑन स्टेज एज वेल। मिस्टर बोस द टेक्नीशियंस अगर आगे बैठे हो फर्स्ट टू या थ्री लेन्स में इफ यू कुड प्लीज कम ऑन स्टेज। एंड नाउ बिफोर वी ओपन अप टू द क्वेश्चंस ऑफ प्रेस, सलमान सर एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए सबके साथ वंस ऑल द टेक्नीशियंस ऑन स्टेज। ओके हो जाते हैं शुरू सर। बिफोर द प्रेस उस समय आपको कुछ बोलने के लिए बोला था, अब एक शब्द बोल दो फैंस के लिए बिफोर वी ओपन टू द प्रेस। आप पहले चुप बैठ जाओ उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे। बार बार हमारे बेचारे फैंस को पका रहे हो। तीन बार दिखा दिया प्रोमो सर, पसंद आए थे उन्होंने मांग की थी तीन बार की। वो अपने चार लोग वहां पर बैठे हैं वही चिल्ला रहे थे। दुआ कर रहा था कि एक और बार नहीं दिखा दे, बोला सर उन्होंने प्रोमो देखे इतनी बार प्रोमो देखे तो पिक्चर कौन देखेगा सर। एक्चुअली इतना अमेजिंग है मेरे को तीन बार देखना पड़ा था सर। इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया कि 5 महीने पिक्चर बनाई, मेरे फैंस को ऐसा लगा ठोक ठाक के पिक्चर बनाई भाई। पिक्चर कैसी लगी बस इतना सा? तो 5 महीने शूटिंग हुई है, उसके पहले बहुत सारा प्री प्रोडक्शन काम हुआ है इस पिक्चर के ऊपर। तो ये 5 महीने काफी शूटिंग होती है। कितने दिन होते हैं 5 महीने में? 150 दिन सर। हाँ 150 दिन की स्टार्ट। ओके सर वी विल स्टार्ट। ओके ओपन टू द प्रेस नाउ, व्हाटएवर क्वेश्चंस एनीबडी वांट्स टू शूट एट गो राइट अहेड। या आर द माइक्स? और ये तो कमाल ही हो गया माइक्स के किक के प्रोमो के वजह से यूटीवी पे भी सीटी पड़ने लग गई। चेक चेक। यस आलोक। सलमान आपके लेफ्ट में, आलोक फ्रॉम OFM। मेरा सवाल है कि किक होता क्या है? फिल्म में भी आपने काफी बार जब भी पड़ती आदमी 2 कदम आगे जाता है। एंड आली में पड़ी थी 2 कदम आगे गए। खुद की लाइफ में रियल लाइफ में और रियल लाइफ में रोज पड़ती है सर, इसलिए आगे जाते जा रहे हैं। ये देते हैं तो कभी वो देते हैं, कभी ये देती हैं तो कभी वो देती हैं, पढ़ती रहती है। सलमान अपने जो को स्टार्स हैं उनके बारे में अगर आप एक एक करके बताना चाहें। आपके राइट में खड़े हैं जैकलिन से, जैकलिन देन नवाज देन रणदीप। क्या बताऊं यार, अपनी तारीफ खुद करें सबके सब, जैसे मैं अपनी तारीफ कर लेता हूँ। ये भी अपनी बड़े हो गए बूढ़ा साहब, हमारे प्यारे RD बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस पिक्चर के अंदर। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पिक्चर में हमारे साथ रहे हैं और इनके साथ बड़ा मज़ा भी आया काम करने में। ये इन्होंने हमारा साथ कहीं पर भी नहीं छोड़ा। ये हर शूटिंग स्केड्यूल में हमारे साथ थे। कुछ महीने इन्होंने हमारे बिना भी बिताए लंदन के शेड्यूल में, काफ़ी अय्याशी की इन्होंने हमारे खर्चे के ऊपर। लंदन स्कॉटलैंड फ्री में घूमाए ये, क्योंकि हमको तो वीज़ा ही नहीं मिला था। तो फिर इसके बाद पोलैंड और फिर दिल्ली भी और फिर अभी पनवेल से भी आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करते हुए और
जैकलीन के बारे में क्या बताएं? बदतमीज, मेरी हीरोइन के बारे में तू बोल रहा बहुत अच्छी है। जैकलीन देखो यार, मैं एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन था, हूं, उनका नाम है जीना तमान। आज के तारीख के अंदर अगर कोई जीना जी को रिप्लेस कर सकती हूँ स्टारडम वाइज, ये हैं जैकलीन अमान फर्नांडिस। आणि मला एका गोष्टीचा फार आनंद आहे।